फाइनली जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर जो है जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स को जिसका इंतज़ार था मॉडल आंसर का, मॉडल आंसर अब आ चुका है और कुछ ही दिनों में जो है रिजल्ट अभी आप लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ आखिरकार कितना होगा, संभावित कट ऑफ और सटीक कट ऑफ है। अगर आप इस कट ऑफ को जान लेते हैं, अगर जो कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा अगर उतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, मतलब कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई भी बात नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अच्छे से मेहनत किया, जिन्होंने फुल लगन के साथ अच्छे से एफर्ट लगाकर अपना 100% एग्ज़ाम्स में दिया है, तो उनको कामयाबी जो है अवश्य रूप से मिलेगा। क्योंकि कामयाबी हमारे काम के ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे हार्ड वर्क के ऊपर। अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अगर हम अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे तो ही हमें कामयाबी मिल पाएगा, तो ही हमें सफलता जो है मिल पाएगा। तो मॉडल आंसर आने के बाद जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानिए जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स में कितने नंबर में होगा आपका सिलेक्शंस। जी हाँ, मॉडल आंसर जो है आ चुका है। आपको बताना चाहता हूँ कि जब मॉडल आंसर आया, और देखिए ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम्स में जो है निगेटिव मार्किंग था, माइनस मार्किंग था। अगर माइनस मार्किंग नहीं होता ना, अगर जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं किया वो स्टूडेंट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई किया है, 100% एग्ज़ाम्स के लिए दिए हैं, डेली वो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई किया है, तो उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगा। जिनका तैयारी अच्छे से होता है ना, उन्हें निगेटिव मार्किंग से कोई भी डर नहीं होता। लेकिन जिनका तैयारी नहीं होता, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन, फिर भी वो एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्योंकि आंसर व्यापम में जो है इस तरह से टिक किया जाता है कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का आंसर, सभी का आंसर पूरा ए रहेगा। तो आप जो है इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं है कि 4 क्वेश्चंस का आंसर पूरा ए है तो आप जो है टिक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का कट ऑफ जो है आपका 110 से 115। जी हाँ, 110 से 115, अगर इतना मार्क्स आ रहा है मतलब आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो गए हैं, आप ये मान के चलिए, और आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बन गए। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात किया जाए तो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 105 से 110 नंबर में, इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ में जो है एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का कट ऑफ जो होगा आपका 100 से 105 नंबर के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का कट ऑफ जो होगा वो आपका 95 से 100, यानी 95 से अगर 100 के बीच में आपका नंबर आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, आपको कामयाबी मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन इसमें जो है हो जाएगा, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इतना ही आपका जो है कट ऑफ, जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया जो है होने वाला है। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कामयाबी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कामयाबी कैसे नहीं मिलेगा, आपने मेहनत किया, आपने काम किया है, तो भले ही आज आपको कामयाबी ना मिले, भले ही आज आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको कामयाबी, आने वाले समय में आपको जो है सक्सेस जो है अवश्य रूप से जो है ज़रूर मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बस आपको अच्छे से जो है मेहनत करना। तो अभी जो है छत्तीसगढ़ में टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर आ चुका है, कुछ ही दिनों में लगभग 1 सप्ताह का वेट के जो है रिज़ल्ट अभी जारी हो जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के और व्याख्याता का भी मॉडल आंसर जो है कुछ ही दिनों में जो है जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्मेंस किया है, एग्ज़ाम्स अच्छे से दिया है, मेहनत जिनका अच्छे से है, उनको कामयाबी जो है डेफिनेटली मिलने वाला है। क्योंकि रिजल्ट तभी हमारा अच्छा होता है जब हम मेहनत करते हैं, और जब हम मेहनत करते हैं तभी हमें कामयाबी जो है मिल पाता है। तो ये कट ऑफ जो है, ये क्राइटेरिया जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो 150 क्वेश्चंस में जो मैंने आपको बताया
उतने मार्क्स हैं, उतने नंबर आपको लाना है जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार मेरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, मुझे कामयाबी मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, सक्सेस मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। डेफिनेटली सक्सेस मिल पाएगा, डेफिनेटली आपको जो है कामयाबी मिल पाएगा। बस आपको अच्छे से काम करना है, आपको अच्छे से वर्क करना है, और जितना ज़्यादा आप अच्छे से वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी जो है मिल पाएगा। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कभी भी परिस्थिति और समय आपके अनुरूप नहीं होगा, आपको परिस्थिति के अनुरूप जो है चलना होगा, आपको परिस्थिति के अनुसार जो है ढलना होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगा, तभी आपको जो है सफलताएँ जो है मिल पाएगा, वरना किसी भी तरह से कामयाबी की हम जो उम्मीद ही मत रखें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, तो ही समझिए कि हाँ मुझे कामयाबी मिलेगा, मुझे सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो किसी भी प्रकार की सफलता की उम्मीद मत रखना, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार की कामयाबी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको जो है काम करना ज़रूरी है, इसलिए आपको जो है मेहनत करना ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा कामयाबी भी उतनी ही ज़्यादा आपको मिल पाएगा। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में मॉडल आंसर आ चुका है, और जो मैंने कटअप बताया उतना ही कटअप आपका जो है जाने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट जिनको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और बाकी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं, तो लेबर इंस्पेक्टर के, श्रम निरीक्षक के 34 पोस्ट की तैयारी जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। 24 जून को एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन कल था, आज है, और कॉम्पिटिशन जो है हमेशा रहेगा। कॉम्पिटिशन से आप जितना ज़्यादा भागोगे उतने ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, इसलिए कॉम्पिटिशन से भागो मत, उसका मुकाबला करो और मेहनत करो। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा आपको सफलता है, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी जो है मिल पाएगा। इसलिए काम करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए, उन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। आप लोग भी बस वीडियोस को देखते हैं लेकिन वीडियोस को शेयर नहीं करते, प्लीज़ ऐसा मत करो, वीडियोस को भी जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो ताकि बाकी स्टूडेंट तक जो वीडियोस पहुंच सके, और बाकी स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर सके, उनको जानकारी मिल पाए। तो मेहनत अच्छे से करो, काम अच्छे से करो, जितना ज़्यादा आप काम करोगे सफलताएं भी उतनी मिल पाएगा, कामयाबी भी आपको उतनी मिल पाएगा। इसलिए हमें काम करना ज़रूरी है, इसलिए हमें मेहनत करना ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतने ही ज़्यादा कामयाबी आपको जो है मिल पाएगा। सो मेहनत करो।